न्यूज़ फॉर सिटी में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं ताज़ा समाचार। दिल्ली नगर निगम के हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपना दबदबा कायम रखते हुए 5 में से 4 सीटों पर कब्जा किया और अपने विरोधी दलों को दिखा दिया कि वे अब नए खिलाड़ी नहीं है। पार्टी को मिली इस जीत से दिल्ली के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। पार्टी कार्यकर्ता अपने अपने चहेते नेताओं को बधाई देने पहुंचे। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता से मिलने भी उनके चहेते पहुंचे और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि केजरीवाल का नेतृत्व और उनके द्वारा लिए गए निर्णय साबित करते हैं कि अब काम की राजनीति को पसंद किया जाएगा। मैं प्रीत विहार क्षेत्र में रहती हूं, विश्वास नगर विधानसभा से उपाध्यक्ष शिखा गर्ग हूं, समाज सेवी हूं। हर जगह वहां पे बहुत बुरा हाल है, जनता बहुत परेशान है। जो बीजेपी के सपोर्टर वो भी परेशान है कि कहते हैं कि काम तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसे बटोरने में लगे हुए निगम पार्षद हमारे वहां के। तो बहुत सभी चेंज चाहते हैं, सब परेशान हो गए 15 साल के भ्रष्टाचार से ना बीजेपी के। तो भाजपा का अब सफाया झाड़ू चल गई है, सबको काम की राजनीति, काम चाहिए सिर्फ जनता को। जनता समझ चुकी है ये कि बेसिक जो हमारी नीड्स हैं वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही पूरी कर सकते हैं और वही अब शुरू हो गया है। और एक महिला होने के नाते आप किस तरह देख पा रही हैं? मैं पूरी दिल्ली को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ कि आज बहुत ही बम्पर जीत हुई है। आप देखेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी श्री अरविंद केजरीवाल जी की जो एक हर तबके को लेके चल रहे हैं और सभी को उन्होंने पूरे फायदे पहुंचाए हैं और उसके लिए आज काम की राजनीति की जीत हुई है। आप देखेंगे तो जो कहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, बेसिक जो सुविधाएं हैं, जो स्कूल इतने नंबर वन कर दिए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना कर दिया है, बसें, महिलाओं की बसें फ्री कर दी हैं। आज इतनी बड़ी महामारी के टाइम में फिर भी सारी जनकल्याण, सारी जो सब्सिडी दी गई वो सब फ्री रखी गई। जनता को समझ में आ चुका है कि काम तो सिर्फ केजरीवाल ही कर सकता है, तो इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का अब दिल्ली में एमसीडी में खुल गया है खाता। तो ये तो अभी जनता ने दिखाया है कि 5 उपचुनाव हमारे जो 5 सीटों पे उपचुनाव हुए हैं, तो ये एक टेलर एक जनता ने दिखाया है और पिक्चर अभी बाकी है। आप आके देखेंगे 2022 में जनता ने कह दिया कि अब काम की शुरुआत है, हम सिर्फ काम को वोट देंगे। मैं अशोक कुमार शर्मा, आम आदमी पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता और त्रिनगर का निवासी हूँ, जो आज एमसीडी के अंदर हमारी 5 में से 4 सीटें जो आई हैं उसके लिए सबसे पहले मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस बात को भी जनता अब समझ गई है कि 2017 में जो एमसीडी के चुनाव में दिल्ली की जनता ने जो गलती की थी, आज दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। अगर 2017 में हमारी बम्पर जीत अगर हो जाती निगम नगर निगम के चुनावों में, तो दिल्ली को जो अभी तक दिल्ली ने नरक की ज़िंदगी जी, कूड़ा करकट पूरी दिल्ली नरक बनी हुई थी, शायद वो दिल्ली वालों को देखने को नहीं मिलती। जैसे एक पेड़ शुरू में लगता है, फिर जैसे बड़ा 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 होता है वैसे ही फल देना शुरू करता है, ऐसे ही हमारे आदरणीय केजरीवाल जी ने जो अपनी योजनाएं बनाई और उन योजनाओं से अब लोगों को देखने लगे। अब तो हमारे विरोधी भी केजरीवाल जी के कामों की सराहना करते हैं और सरेआम करते हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं रही, क्योंकि पेड़ ने फल देना शुरू कर दिया और अब लोगों को उस फल को खाने में मज़ा आ रहा है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है देश के अंदर जो कि सही काम कर सकती है और कर रही है।